अल्लाह कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कामिला शमसी की बायोग्राफी आज हम जो हैं वो इनकी बायोग्राफी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कामिला शमसी जो हैं वो एक राइटर भी हैं और इसके अलावा वो एक नावलिस्ट भी हैं शी वॉज बोर्न इन कराची वो कराची के अंदर जो है वो पैदा हुई हैं पाकिस्तान में एंड करंटली लिवस इन द यूके यूके के अंदर जो है वो अब करंटली रह रही हैं इन अडिशन टू राइटिंग नावल्स शी राइट्स फॉर सेवरल पब्लिकेशन इंक्लूडिंग द गार्डियन न्यू स्टेट्स मैन इंडक्स ऑन सेंसरशिप एंड प्रोस्पेक्ट ये सारे जो हैं जो पब्लिकेशंस जो हैं जिनके अंदर जो गार्डियन न्यू स्टेटमैन इंडेक्स सेंसरशिप एंड प्रोस्पेक्ट ये सारे जो थे वो शामिल थे इसके अलावा शी इज़ आल्सो क्रिएटिव रॉइटिंग प्रोफेसर एट द मानकस्टर सेंटर फॉर न्यू रॉइटिंग वो जो हैं वो क्रिएटिव राइटिंग की प्रोफेसर भी हैं कहाँ पर हैं ये मैनकेस्टर सेंटर फॉर न्यू राइटिंग में शमसी कम्प्लीट हर हाई स्कूल एजुकेशन इन कराची जो कामिला शमसी हैं उन्होंने अपने जो हाई स्कूल की एजुकेशन थी वो कराची से जो थी वो कंप्लीट की थी शी मूव टू द यूएस फॉर कॉलेज एंड अर्न हर बीए फ्रॉम द हेमल्टन कॉलेज बाद में वो मूव कर गई थी यूएस के अंदर और फिर बाद में उन्होंने वहाँ से अपनी बीए की जो डिग्री थी वहाँ से ली थी हेमिल्टन कॉलेज से शी देन अर्न एन एम एफ ए इन राइटिंग फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसचेस्टर्स मर्स्ट फिर बाद में इन्होंने जो थी एम एफ ए जो था वो राइटिंग के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी मैं सेम फर्स्ट वहाँ से जो थी वो डिग्री हासिल की थी अब उनके कुछ जो फेमस नावल्स हैं उनकी बात करते हैं तो नावल्स के अंदर जो थे इनके यहाँ पर सेवन नावल्स जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं सबसे पहला है इन द रिटर्न सॉरी इन द सिटी बाय दी नाइनटीन नाइन्टी एट के अंदर साल्ट एंड साफरान टू थाउजेंड के अंदर कार्टोग्राफी दो हज़ार दो के अंदर ब्रोकन वर्सिस 2005 के अंदर बर्न शेडोज 2009 के अंदर अ गोड इन एवरी स्टोन 2014 के अंदर एंड होम फायर 2017 के अंदर इन 2009 थाउजेंड नाइन शी आल्सो पब्लिश्ड अ वर्क ऑफ नॉन फिक्शन इन टाइटल ऑफेंस द मुस्लिम केस ये सात नावल्स थे जिनमें द इन द सिटी बाय द सी सोल सैफरान कार्टोग्राफी ब्रोकन वर्सेस बर्न शेडो द गोल्ड इन एवरी स्टोन एंड होम फायर ये सारे जो थे ये वो शामिल थे जिसके अंदर उन्होंने एक जो थी वो नॉन फिक्शन वर्क भी जो था उन्होंने किया था पब्लिश जिसका टाइटल था द मुस्लिम केस अब इनके जो है जो इनको अवार्ड्स और जो प्राइज मिले हैं अब उनकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट अवार्ड्स एंड प्राइज इन द सिटी बाय द सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द जॉन लियोन प्राइज सॉरी लियोन रिस प्राइज़ इन द यू के एंड नाइन्टीन नाइन्टी नाइन रिसीव द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर लिटरेचर इन पाकिस्तान कहते हैं कि जो उनका नावल है द सिटी बाय द सी इसको जो था वो शॉर्ट लिस्ट किया गया था किसके लिए जॉन लियोन रिस प्राइज़ के लिए यू के, के अंदर और नाइनटीन नाइन्टी के अंदर नाइन्टीन नाइन्टी नाइन के अंदर रिसीव किया था प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर लिटरेचर इन पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो था वो लिटरेचर के लिए जो था प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो था उन्होंने रिसीव किया था 1999 के अंदर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ साल्ट एंड ज़ाफ़रान शमसी वाज़ सिलेक्टेड एज़ वन ऑफ़ द ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कार्टोग्राफी टू थाउजेंड टू वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिस्टड फॉर जॉन लियोन रिस प्राइज इन द यू के जो कार्टोग्राफी है और जो सिटी बाय सी वॉस ये दोनों जो नावल थे ये जो न, दोनों जो थे ये शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे जॉन लियोन रिस प्राइज के लिए यूके के अंदर इसके अलावा जो बर्न शेडोज़ है 2009 के अंदर वो शॉर्ट लिस्टेड किया गया था फॉर द ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन एंड वन एंड एन एनिसफील्ड वुल्फ बुक प्राइज़ अ गोड इन एवरी स्टोन टू के अंदर जो आया था उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द टू थाउजेंड फिफ्टीन वाल्ट स्कोल्ड प्राइज एंड फॉर दुमन प्राइज फॉर फिक्शन होम फायर टू थाउजेंड सेवनटीन वॉज शॉर्ट फॉर द बुकर प्राइज शॉर्टलिस्टेड लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल आई एम पी ए सी इम्पैक्ट डुबलिन लिट्रेरी अवार्ड एंड टू थाउजेंड एटीन वन प्राइज फॉर फिक्शन ये सारे जो थे ये इनके अवार्ड्स और इनके जो प्राइज थे इन नॉवल्स के लिए जो थे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे ये इनके अंदर हमने देखा है यही था आज का इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आपको आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में